नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। उसमें काफ़ी सारे आपके ओपिनियंस मैच हो रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे ओपिनियन सही है, तो ज़रूर इस वीडियो में भी आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं। तो अब दोस्तों, जहाँ पर हमने पहले वीडियो में छोड़ा था उसे अब हम आगे कंटिन्यू। कैटेगरी जो है, जो मतलब इस पूरे लिस्ट का सबसे बेस्ट कैटेगरी हो सकता है स्मार्टफोन्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। और मैंने भी जो इसमें टॉप 5 फोन्स रखे वो केवल प्राइस के रेंज के ऊपर से रखे और उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से रखा है। तो इसमें दोस्तों, बिना कुछ कोई भी डाउट के हिसाब से सबसे पहला तो हमारा हमेशा iPhone 10 ही आएगा, सबसे प्यारा दुलारा iPhone 10। जी हाँ दोस्तों, लाख रुपए का फ़ोन। उसका दोस्तों नेक्स्ट मैंने रखा है नोट 8, सैमसंग गैलेक्सी नोट 8, वो भी उसी के आसपास 80-90 हज़ार का आ जाता है। फिर तीसरा रखा है दोस्तों मैंने गूगल पिक्सल XL2, और वो दोस्तों रेंज के हिसाब से मैंने थोड़ा कम किया है, लेकिन परफॉर्मेंस तो आप जो चाहे आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। हालांकि मैं इसमें सबसे बेस्ट फ़ोन गूगल पिक्सल XL2 को ही मानता हूँ, लेकिन उसमें भी सबकी अपनी अपनी राय है। तो तीसरा दोस्तों, जैसे कि कहा गूगल पिक्सल XL2। उसके दोस्तों फोर्थ जो है वो मैंने रखा है OnePlus 5T। इसका भी दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, यानी OnePlus 5 या 5T, एक ही बात करिए, केवल खाली जो डिस्प्ले था वो चेंज कर दिया था और फेस रिकॉग्निशन आ गया था, बाकी तो नॉर्मल सेम ही है पूरा फ़ोन। तो उसमें भी आप परफॉर्मेंस उसकी अच्छी कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों जो लास्ट है वो एक सबसे बजट फ़ोन आ जाएगा स्मार्टफोन बजट रेंज में, वो है शाओमी का Mi A1। तो दोस्तों स्मार्टफोन का जो था ये लिस्ट, हो सकता है आपको पता ही हो, आपको सुन के लगे कि नहीं इसमें कुछ भी नया नहीं बताया। तो अब दोस्तों ये है ही ऐसे स्मार्टफोन इस साल ऐसे रिलीज हुए जो हमेशा से पूरे साल भर पॉपुलैरिटी में रहे, इसके लिए ये सबको पता ही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी के तरफ चलते हैं। उसमें है दोस्तों कॉन्ट्रोवर्सीज। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी मज़ेदार हो सकता है, टॉप 5 कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ इंडिया इन 2017। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला, अगर आप गेस करें अभी वीडियो को पॉज करके, तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं। और मेरे इस बात से काफ़ी लोग भी सहमत होंगे कि पहला कंट्रोवर्सी इस साल का सबसे बेस्ट कंट्रोवर्सी रहा है पद्मावती के बारे में, जो पिक्चर अभी तक रिलीज़ भी नहीं हो पाया है। लोगों को दूसरों की मेहनत के बारे में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है कि वो इतना मेहनत कर रहा है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, सब यही सब बातें रहती है। और दोस्तों दूसरा जो था वो भी आप भूले नहीं होंगे, उसका टॉपिक दूसरा जो रखा है मैंने वो यही है कि दिवाली के टाइम पे जो फटाके फोड़ने के, यानी क्रैकर्स बस्टिंग, जो उसके बारे में जितना भी कंट्रोवर्सीज हुआ था कि नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, जितना भी हो रहा है, चलिए सही बात है, लेकिन अभी नया साल गया, उस समय फटाके फोड़े तो कुछ नहीं, बाकी कभी शादी हो कुछ भी हो फटाके फोड़े कुछ नहीं, खाली दिवाली के टाइम पे फटाके नहीं फोड़ने। तो ये सबसे कॉन्ट्रोवर्सी रही थी 2017 में। उसके दोस्तों तीसरा जो है वो, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या आपको न्यूज़ आपने ये कहीं पढ़ा होगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि जो जावेद हबीब आर्टिस्ट है, यानी सैलून उनका काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे हेयर डिज़ाइनर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस प्रकार कर दी थी कि उन्होंने सारे भगवान को अपने सैलून में रख दिया था और वो उस अंदर बता दिया था कि कोई भगवान बाल कटवा रहा है, कोई पेडिक्योर मैनिक्योर कर रहा है, और उसमें वो कॉन्ट्रोवर्सी में आ गए थे। उसके दोस्तों ये तो दोस्तों अगला जो कंट्रोवर्सी है वो mid-2017 के पहले सबसे आगे चल रहा था कंट्रोवर्सी, लेकिन उसके बाद पद्मावती ने इसे टेक ओवर कर लिया और काफ़ी लोग इसे भूल भी गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाला कंट्रोवर्सी है वो है स्नैपचैट CEO के जो इंडिया के बारे में कमेंट किया था कि इंडिया एक पुअर कंट्री उन्होंने बताया था, और ऐसा कहा था कि अगर उधर स्नैपचैट बंद भी हो जाए तो उन्हें अपने बिजनेस में कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता अगर इंडिया में स्नैपचैट बंद भी हो जाए तो। उसके दोस्तों लास्ट जो उसका जो दोस्तों लास्ट है वो भी अगर आपको याद ही होगा, आप उसे भी नहीं भूले होंगे, कि ये था दोस्तों सोनू निगम ने जो ट्वीट कर दिया था अजान के बारे में। उन्होंने बस अपना एक ओपिनियन रखा था, उनके बारे उनको जो विचार आया उन्होंने ट्वीट कर दिया, अब क्या कर सकते उसमें। तो अब दोस्तों जो इस कैटेगरी में मैंने 2-3 ऐसे कुछ इन्वेंशंस मुझे पता चला, जो मैं आज खुद जब इसके पीछे रिसर्च कर रहा था तो मुझे आज पहली बार ही पता चला।
तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो है कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा नया एक्सपेरिमेंट किए, नए ऐसे इन्वेंशंस किए पिछले साल, जिसमें कि वो हवा में से पानी को निकाल सकते, निचोड़ सकते। और ये दोस्तों उन्होंने, साइंटिस्ट ने 20 से 30% ह्यूमिडिटी वाले वेदर कंडीशंस में किया। तो उसके बाद दूसरा जो मैंने इसमें इन्वेंशन रखा है, वो तो काफ़ी प्रचलित रहा था इस पूरे साल, कि साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल वेव्स को फाइंड कर लिया था, ढूंढ लिया था। आखिर था तो सही पहले से, क्योंकि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी अपने ज़माने में कहा था कि कुछ ऐसे वेव्स होते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। तो वो इस साल उन्होंने डिफाइन कर लिया वो आखिर क्या है, कैसा है। उसका दोस्तों तीसरा जो है, वो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है, उन्होंने ऐसी एक मेथड ढूंढ ली जिससे वो हाइड्रोजन को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हाइड्रोजन को मेटल में कन्वर्ट करना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, एटम हो, या जो भी फॉर्म में वो हो, उसे मेटल में कन्वर्ट। और उसे दोस्तों साइंटिस्ट ने इसे सिंपल नाम दे दिया, मेटालिक हाइड्रोजन। तो अब इसमें दोस्तों इसकी काफ़ी सारी वाइड यूजेस हो जाती है, बहुत ही जितने भी पुराने टेक्नोलॉजीज है उसमें एक नया एक्सपांसन आ जाता है इसकी। उसका दोस्तों जो सेकेंड लास्ट यानी फोर्थ वन जो मैंने रखा है, उसमें ये रखा है कि दोस्तों इस साल चाइना में कुछ ऐसे मेथड्स को एक्सपेरिमेंट किया गया, इन्वेंट कुछ ऐसा किया गया जिससे जो वहाँ के चाइनीज लोग हैं, चाहे वो लोग जो है वो अपने बायोमेट्रिक से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक तो हमने, अभी तक ये टेक्नोलॉजी हमने तो देखी है एनएफसी से जो हम पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बायोमेट्रिक से यानी फिंगरप्रिंट से, फेस अनलॉक से, मतलब हमारे रेटिना स्कैन से वो लोग ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई किया कि वो लोग पेमेंट ऐसा कर सके। तो अब उसे दोस्तों पूरे दुनिया में लाने की वो लोग ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आगे चलते समय में ऐसा हो जाए। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट मैंने रखा है वो है क्लाउडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स को। दोस्तों इस साल पहली बार देखा गया, एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार इसे डिटेक्ट, तो डिटेक्ट ही कुछ ऐसा समझिए, जो लाइगो जो इंस्ट्रूमेंट था, जो ग्रेविटेशनल वेव्स में जो यूज़ हुआ था, उसी की मदद से पहली बार न्यूट्रॉन स्टार्स को भी कोलाइडिंग करते हुए साइंटिस्ट ने देखा, एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे डिटेक्ट किया। तो अब दोस्तों हम आ गए अपने लास्ट कैटेगरी पर, जो मैंने रखा है सॉन्ग्स का कैटेगरी, जिसकी वजह से अगर आपको थोड़ा एंड में भी कुछ अच्छा मिल जाए, अगर आप इन्वेंशन या कंट्रोवर्सी से बोर हो गए हो तो दोस्तों इसको भी मैंने वापस से बॉलीवुड के जैसा ही इसे भी दो सब कैटेगराइज किया है। एक एक पहला कैटेगरी वो है जिसमें मैंने बताया, जिसमें मैंने लिस्ट आउट किया है यूट्यूब के व्यूज़ के हिसाब से कौन से सॉन्ग्स 2017 में टॉप 5 में रहे। और दूसरा जो वो मैं मुझे अच्छा लगा, जिसके जो सॉन्ग्स मैं सुनते आ रहा था पूरे साल। दोस्तों जो सबसे पहला यूट्यूब के काउंट के हिसाब से है वो है बेफिक्रे सॉन्ग, मूवी का नशे से चढ़ गई सॉन्ग, जो इस साल 346 मिलियन के साथ अभी भी आगे बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड है काला चश्मा, वो है 344 मिलियन के साथ। फिर नेक्स्ट है बद्री की दुल्हनिया का, जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया का जो टाइटल सॉन्ग था बद्री की दुल्हनिया, 334 मिलियंस के साथ। उसके बाद दोस्तों रईस का सॉन्ग जो था लैला, 250 मिलियन के साथ। और प्रेम रतन धन पायो का जो टाइटल सॉन्ग था, 231 मिलियन के साथ। भाई का सॉन्ग रहता ही है हमेशा। और उसके बाद दोस्तों जो मुझे सॉन्ग्स अच्छे लगे इस साल, जो मैं सुनते आ रहा था, हालांकि इसमें भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स थे, लेकिन तो भी मैंने इसमें एक सॉन्ग एक्स्ट्रा ले लिया, 6 सॉन्ग्स रख दिए है। और तो इसमें कितने सारे सॉन्ग्स आ सकते हैं, और ऐसा है दोस्तों इसमें बन सकता है कि आपका ओपिनियंस अलग हो, क्योंकि सारे लोगों की जॉनर जो होती है सॉन्ग सुनने की, वो सबकी अलग अलग होती है। इसमें मैंने केवल सॉफ्ट सॉन्ग्स, रोमांटिक टाइप सॉन्ग्स ही रखा है। तो दोस्तों सबसे पहला है इसमें जालिमा रईस सॉन्ग का, दूसरा है सुन मेरे हम सफ़र बद्रीनाथ की दुल्हनिया का, उसके बाद तीसरा है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा हाफ गर्लफ्रेंड का, फिर चौथा है दिल दिया गल्ला जो अभी अभी रिलीज हुआ टाइगर जिंदा है, उसके बाद जो दोस्तों है बोल दो ना जरा जो अजहर मूवी का सॉन्ग था, और दोस्तों लास्ट जो मैंने रखा जग घूमया सुल्तान पिक्चर। तो बस दोस्तों मैंने जो जितने भी कैटेगरीज इसमें लिए थे, उसमें मैंने अपने 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 ओपिनियन के हिसाब से टॉप 5 बेस्ट तो मैंने इसमें बता दिया है। अब आप अपने कैटेगरीज के हिसाब से क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट करिएगा, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके और मेरे ओपिनियंस मैच हो रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर आगे कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों इस साल के इस नए वीडियो में, पहले वीडियो में
ये दोनों पार्ट को मिलाकर तो केवल इतना ही था बस दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में तो केवल इतना ही था। अगले वीडियो तक हम मिलते हैं, तब तक बोलते रहिए, जय हिंद।